हमारी दूरियों ने बस हमें नजदीक ही किया। बुरा तो मैं ही हूं, तुमने जो किया ठीक ही किया। तो आज के पोयम की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। अक्सर लोग पूछते हैं कितने करीब थी वो तुम्हारे, तो बस इतना बोलकर चुप हो जाया करता हूं कि वो मेरे लिए बहुत खास थी, है और रहेगी। खैर तुम्हारे लिए तो अब भी सब वही होगा ना, जो लगता तुम्हें गलत वो अब भी तुम्हारे लिए सही होगा ना। वो जो खरीदने से पहले चीजों की फोटो मुझे भेजती थी, जब तुम सोच नहीं पाती थी कि तुम पर ये सही लगेगा या नहीं, अब खुद से पसंद कर लेती हो क्या। वो जो भूल सब कुछ रो देती थी मेरे आगे बिना परवाह किए कि कैसी लगोगी, अब उन आंसुओं को किसी और के आगे निकाल पाती हो क्या, किसी और के आगे निकाल पाती हो क्या। वो जो सुबह उठकर बिना मेकअप के भी मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर लेना, वो जो सुबह उठकर वीडियो कॉल पर मुझसे बात कर लेना, अब उस हालत में किसी और से बात कर लेती हो क्या। खुद से सारे फैसले अब कर लेती हो क्या। हम आगे बढ़ते हैं। खैर आज बहुत दिनों बाद तस्वीर दिखी तुम्हारी जिसने फिर हजारों सवाल मन में जगा दिए। तस्वीर तुम्हारी यही कुछ हाल फिलहाल की है जिसमें तुम बहुत खूबसूरत सी खुश नजर आ रही हो। दिवाली पे जो तोहफे में मेरे दिया गया सूट था वो पहन रखा था, जो कि गाजरी कलर का फुल स्लीव वाला कुर्ता है, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तो आगे बढ़ता हूँ। क्या बताऊं जाना मुझसे बिछड़कर भी तुम कितना कहर ढा रही हो। वही मुस्कान चेहरे पर बचपना, हंसते हुए ड्रेकुला से दो दांत, पर एक चीज की कमी नजर आ रही है इसमें मुझे। मुझे मेरी दी वो घड़ी कहीं नजर नहीं आई। वो जो चेहरे पर मुस्कान है ना उस पर मेरे साथ साझा की वो हंसी नजर नहीं आई। खैर मुझे चुभती है अधूरी रही हर वो बात तेरी। मत पूछ कैसे कटी है तेरे बगैर हर वो रात मेरी। तुमने कुछ इस कदर मुझसे दूरी बनाई कि मेरी जिंदगी से तुमने अपना नामो निशा मिटा दिया। पर गलत हो तुम इशू। मेरे जिस्म के जर्रे जर्रे में आज भी मौजूद है वो खुशबू तुम्हारी। तू भले ही कितना दूर चला गया हो, हर रात ख्वाबों में आज भी तुझसे होती है मुलाकात मेरी। अब तू अपनी खाई कसमों को रख अपनी ही अलमारी में। वो जो गुस्से में मेरे हाथों से अपनी कलाई को झटका था ना, तेरी कलाई पर निशा का भी जबरन का पड़ा है क्या। जिस्मों पर निशा देने वाला नए जमाने का लड़का नहीं था मैं, बल्कि रूह को छूने वाला पुराने ख्यालों का लड़का था मैं। फासले जो हमारे दरमियान बढ़ गए हैं इतने। वापिस से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, गौर फरमाइएगा। फासले जो हमारे दरमियान बढ़ गए हैं इतने, वो तेरे फैसलों का ही नतीजा है। जो तेरे जाने के बाद जी रहा हूं मैं, मेरे लिए अब जिंदगी जीने का यही सलीका है। हर रोज दिए तुम्हारे हर तोहफे से अब याद की जाती है।
अपने शख्स की ख्वाहिशों की खातिर अपनी जिंदगी दूसरों को भी दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जिंदगी से मतलब हर उस सपने से है जिसे वो पाना चाहती है, जिसके लिए बस उसे एक सपोर्ट की जरूरत है। तो वापिस रिपीट करता हूं, अपने शख्स की ख्वाहिशों की खातिर, अपने शख्स की ख्वाहिशों की खातिर अपनी जिंदगी दूसरों को भी दी जाती है। शख्स की ख्वाहिशों की खातिर, अपने शख्स की ख्वाहिशों की खातिर अपनी जिंदगी दूसरों को भी दी जाती है। रोज ठुकराई जाती है न जाने कितनी मोहब्बतें, रोज ठुकराई जाती है न जाने कितनी मोहब्बतें, जो करीब आना चाहे पर तू आबाद है, पर तू आबाद है कैद रहकर बाहों में किसी और की। याद रखना, याद रखना एक का घर उजाड़ किसी दूसरे का घर बसाने निकली हूँ। याद रखना एक का घर उजाड़ किसी दूसरे का घर बसाने निकली हूँ। यहाँ घर से मीन है दोस्तों साथ में देखे सपने, ख्वाहिश और विश, अर्थात सपनों का एक आशियाना जिसे एक साथ बुना गया था। याद रखना एक का घर उजाड़ किसी दूसरे का घर बसाने निकली हूँ। महलों में तो ऐश होती है, महलों में ऐश होती है पर झोपड़ियों में तो सुकून मिलता है। एक वक्त तुम्हारी भी जिंदगी में आएगा जरूर, एक वक्त तुम्हारी भी जिंदगी में आएगा जरूर, जब तुम्हें तुम्हारे गलत होने का एहसास होगा, जब तुम्हें तुम्हारे गलत होने का एहसास होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें तब वो कैसे बर्दाश्त होगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें तब वो कैसे बर्दाश्त होगा। उस वक्त की एक गलती का तुम्हें भी अफसोस होगा, तुम्हें भी अफसोस होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया आप सभी का।